इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, इकबाल का एक शेर है, वो कहते हैं कि जाफर अज बंगाल सादिक अज दक्कन, जाफर अज बंगाल सादिक अज दक्कन, नंगे दीन नंगे मिल्लत नंगे वतन। इकबाल ने इस शेर में गोया पूरी इस्लामी तारीख को समेट कर रख दिया। इस शेर का मतलब क्या है, यह समझने के लिए आपको पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा। मुतमईन रहिए, हम आपको इंशाल्लाह बोर नहीं करेंगे और बहुत कीमती इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको हम देने वाले हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा सुल्तान था जिसके सामने अंग्रेज परागंदा हालत में भिखारियों की तरह घुटने टेक कर ऑलमोस्ट सजदा रेज होकर गिड़गिड़ा कर माफिया मांगते थे? दोस्तों, आप देख रहे हैं जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार, इस सीरीज का दूसरा एपिसोड, और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन मुस्लिम्स एंड न्यूज। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें, जिससे इंशाल्लाह आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जो इल्जाम उठाए जाते हैं उसका आप मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है 1690 की, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत वाकई हुई थी 1799 में, यानी 1799 में, उससे 100 साल पहले, 100 साल से 100 साल 110 साल आप कह लीजिए, तब का ये वाकया है। 1686 से लेकर 1690 तक एक जंग चली जिसे चाइल्ड्स वॉर भी कहा जाता है और एंग्लो मुगल वॉर भी कहा जाता है, यानी अंग्रेजों और मुगलों के बीच में एक जंग हुई या फिर कुछ जंगें हुई जिसका नाम एंग्लो मैसूर वॉर रखा जाता है। ये बात है मेरे दोस्तों उस वक्त जब अंग्रेज यहाँ पर तिजारत किया करते थे, तिजारती उनकी कश्तियाँ आया करती थी समंदर के रास्ते से और वो यहाँ से अशिया लेकर जाते थे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मामला चलता था। मुगलों ने, यानी भारत की सरकार ने उस वक्त इन लोगों के ऊपर कस्टम ड्यूटी कहिए या टैक्स कहिए आयद किया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने अपनी गुंडागर्दी धीरे धीरे दिखानी शुरू कर दी। उन्होंने टैक्स देना या फिर कस्टम ड्यूटी देना बंद कर दिया, मामलात बिगड़ते चले गए। यहाँ तक मामलात बिगड़ते चले गए कि तारीख में ये भी आता है कि हिंदुस्तान की कश्तियों को उन्होंने समंदर में लूटना शुरू कर दिया। खबर यहाँ तक भी आती है कि उन्होंने हाजियों की, जो समंदर के रास्ते से कश्तियां जाया करती थी, उनको भी लूट लिया। फिर क्या था, औरंगजेब उस वक्त सुल्तान थे जिनकी सल्तनत काबुल से लेकर ढाका तक और कश्मीर से लेकर पौंडीचेरी तक 4,00,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई थी। उन्होंने अपनी फौजों को भेज दिया। शाइस्ता खान जो बंगाल में थे, उन्होंने कलकत्ता के किले का मुहासरा किया। उस वक्त अंग्रेज़ों के 4 किले थे, एक था कलकत्ता में, दूसरा सूरत, तीसरा मुंबई और चौथा था मद्रास में। तो शाइस्ता खान ने बंगाल के किले का मुहासरा किया जो बहुत जल्द ख़त्म हो गया, लेकिन बम्बई, जो उस वक्त बम्बई कहा जाता था, वहाँ थे सिद्दी याकूत, एक जाबाज। लेकिन बम्बई का मामला कुछ और था, सिद्दी याकूत वहाँ के जाबाज कमांडर थे, उन्होंने बम्बई के किले का मुहासरा किया। कहा जाता है कि ये मुहासरा 14 महीने तक चला। बिलाखिर अंग्रेज़ों के किले में ताऊन फैल गया, लोग भूख प्यास से मरने लग गए, लड़ते लड़ते भी कई लोग मर गए और कई लोग तो भाग भाग कर सिद्दी याकूत के फौज में शामिल होने लग गए। नौबत यहाँ तक आई कि जान बचाने के लिए अंग्रेज़ों ने सरेंडर कर दिया और सुलह की उन्होंने पेशकश कर दी। लिहाजा सिद्दी याकूत ने इन अंग्रेज़ों के 2 जनरलों को औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के पास भेज दिया। जब वो औरंगज़ेब के दरबार में पहुँचते हैं तो मुअर्रिखीन ने आंखों देखा हाल लिखा है कि जब वो पहुंचे तो लग ही नहीं रहा था कि कोई अंग्रेज कमांडर या जनरल वहां पहुंचे हुए हैं। उन्होंने घुटने टेक कर, उनका लिबास ऐसा लग रहा था जैसे कोई परागंदा हालत में भिखारी हैं, उन्होंने घुटने टेक कर ऑलमोस्ट सजदा रेज होकर गिड़गिड़ा कर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह से माफिया मांगी। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी उन्हें खरी खोटी सुनाई, बहुत सारी बातें सुनाई और उसके बाद उन पर 1,50,000 रुपयों का जुर्माना आयद किया, जो आज के दौर का कम से कम 5.5 मिलियन डॉलर होता है मेरे दोस्तों, 5.5 मिलियन डॉलर। तो यह है वो सुल्तान मेरे दोस्तों जिसके सामने अंग्रेज घुटने टेका करते थे। अंग्रेज़ों के माथे पर ये इतना ख़तरनाक, इतना काला धब्बा था कि वो अगले 70 साल तक इस धब्बे को मिटाने की जस्तजू में लग गए। लिहाजा वक्त आता है 1757 का, यानी 1700
57 का, यानी 1857 की गदर से 100 साल पहले का ये वाकया है। ये वाकया है जंगे प्लासी का, जहाँ पर नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने फिर से अंग्रेज़ों से लोहा लिया। यही पुरानी शरारत थी जो अंग्रेज़ों ने आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के दौर में की थी, वही शरारत यहाँ भी की जाती है। लेकिन अफसोस की बात है कि नवाब सिराजुद्दौला मैदान में चलकर अंग्रेज़ों से लोहा लेते हैं, लेकिन अफसोस की बात है मेरे दोस्तों, अंग्रेज़ों ने मुनाफिक पैदा कर दिए थे मुसलमानों की सफ़ों में, और वो सबसे पहला मुनाफिक, सबसे बदनाम ज़माना मुनाफिक, जिसका नाम मीर जाफ़र है मेरे दोस्तों, उसने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की। हालांकि इससे पहले सिराजुद्दौला के नाना जो थे वो नवाब वर्दी अली खान, उन्होंने भी जंग लड़ी थी, और आखिरकार ये जंग प्लासी होती है। जंग प्लासी के बाद बक्सर की भी जंग होती है मेरे दोस्तों 1757 के बाद। लेकिन 1757 की ये जंग प्लासी जो है, जो बैटल ऑफ प्लासी है, उसे बहुत ही फैसलाकुन माना जाता है। जब नवाब सिराजुद्दौला की शिकस्त हुई तो कहा जाता है कि उसके बाद अंग्रेज़ों के कदम हिंदुस्तान में मजबूत हो गए। सिर्फ बंगाल ही में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में उनका दबदबा बढ़ता चला गया। तो ये थी मेरे दोस्तों नवाब सिराजुद्दौला की वो भरपूर कोशिश, जिसने अंग्रेज़ों को रोकने में अपना सब कुछ लगा दिया था, लेकिन सफ़ों में खड़े हुए मुनाफिकों ने उन्हें धोखा दे दिया। इसी बात को अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में कहा है, जाफर अज़ बंगाल सादिक अज़ दक्कन। कल आपने टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र सुना, टीपू सुल्तान को धोखा देने वाले भी अपने सफ़ों में खड़े हुए ज़र खरीद बिके हुए इब्नुल वक्त मुनाफिक थे। वहाँ मीर सादिक था और यहाँ मीर जाफर था, इसीलिए इकबाल ने कहा, जाफर अज़ बंगाल, बंगाल में धोखा देने वाला जाफर था, सादिक अज़ दक्कन, और दक्कन में धोखा देने वाला मीर सादिक था। जाफर अज़ बंगाल सादिक अज़ दक्कन, नंगे दीन नंगे मिल्लत नंगे वतन, यानी दीन से भी हाथ धो बैठे, मिल्लत से भी हाथ धो बैठे, और वतन से भी हाथ धो बैठे। ये था इकबाल का वो शेर जिसने गोया इस्लाम की तारीख को दो सेंटेंसेस में समो कर रख दिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा अल्लाह का वली था, वो कौन सा आलिम था जिसने सबसे पहले हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ फतवा दिया था, वो कौन सी तहरीकें थीं जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बाकायदा मुसल्लह कशमकश यानी जिहाद छेड़ा था, ये आपको हम बताएंगे कल के एपिसोड में, यानी अगले एपिसोड में। आप देखते रहिए हमारा चैनल। हमारे ये एपिसोड आपको कैसे लगते हैं आप ज़रूर कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। We'll be right back.